ये आप जो देख रहे हैं वो रुद्रप्रयाग का है, और उसमें आप संगम देख रहे हैं दोनों, एक मंदाकिनी और एक अलकनंदा है। एक केदार से आ रही है, एक बद्रीनाथ से आ रही है। बिल्कुल साफ, देखो कितना डिमार्केशन अच्छा है। इफ़ यू कैन लुक इन दिस ऑल्सो, दिस ए जो है एक पानी जो गहरा है और काफ़ी मिट्टी वाला है, वो केदार से आ रहा है। और दूसरा जो है वो गंगा का वो अलकनंदा से आ रहा है। एंड सो गंगा यहाँ कितनी शांत है, जैसे हमने गंगोत्री में देखा था उससे बिल्कुल शांत है। देखो ये पूरे पहाड़ी इलाके हैं। रुद्रप्रयाग ऐसे तो काफ़ी गर्म हो गया, अभी डे टेम्परेचर इज 38 इन जून एंड नाइट में वो 23 तक जाता है। सो सरप्राइजिंगली वाय ये पहाड़ अभी सब गर्म, काफ़ी गर्म कर रहे हैं। ऐसे तो सब पूरे पर अच्छा दिस है, सबके ऊपर काफ़ी पेड़ लगे हैं। और ये जो यहाँ का ये जो मंदिर है रुद्रनाथ मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर के पास ही ये संगम आप देख सकते हैं। संगम में हम स्नान भी कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सीन। एंड ये पूरा रुद्रप्रयाग ऐसे तो काफ़ी बड़ा है लेकिन पूरे पहाड़ियों से घिरा है, तो लगता है कि यहाँ जो पहाड़ियों में क्या सन बहुत तीव्र होता है, तो इसलिए गर्मी काफ़ी महसूस करते हैं। नहीं तो इतनी 38 डिग्री टेम्परेचर ये पहाड़ियों में इतनी हाइट पे, और यहाँ इतनी बड़ी गंगा हो, जहाँ इतने पानी हो, इतने वृक्ष हो, तो भी गर्मी लगती है। शायद ये और क्लाइमेट चेंज तो है ही, उसका प्रभाव नदियों पर भी पड़ा है, हमारे हिमालय के पहाड़ में भी पड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। सी इस वीडियो में आप देखोगे तो ये ध्यान से तो काफ़ी बड़ा दो अच्छा बीच में एक बेल्ट बना हुआ है, बेट है, और दोनों नदी बिल्कुल सेपरेट मिक्स नहीं होती। देखो पानी दो बिल्कुल कैसे दोनों पानी अलग अलग से दिख रहा है। और फिर आगे जाके यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं मंदाकिनी अलकनंदा का। और आगे देखिए, अभी जैसे आगे जाएगा ये पूरा मिक्स हो गया अभी पानी।